हेडिंग नोट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन और एनसीईआरटी टेस्ट भी पलटाया होगा, तो इसमें बस और क्या है, बस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ कंपाउंड, उसके प्रिपरेशन मेथड और उनके यूजेस। इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, तो फर्स्ट सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का SiCl4, ठीक है ना, इस कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 विथ जीरो लोन पेयर, लोन पेयर क्या होगा, जीरो। स्ट्रक्चर इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल टीडी। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो 109 क्या सकते हटा उसको, तो सिलिकॉन, हाँ 109.28 मिनट कर लोगे नोट, जल्दी कितने बातें नोट करो, माइक कौन हो जा रहा है आजकल बेटा, माइक बंद करके रखो, दो दो बार हो गया तुमको बोलते, जल्दी सुनो डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड हैज एबिलिटी एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड हैज एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय, ये एबिलिटी क्यों, इसका रीजन है बाय यूजिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कार्बन जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है क्या, बस कितने ऑर्बिटल है उसके पास, 2s 2p, लेकिन सिलिकॉन के पास क्या है बच्चा, 3s है, p भी है और 3 में क्या होता है d, तो d के यूज के कारण और भी एलिमेंट को अपने साथ ऐड कर सकता है, अगर किसी एटम में एक एलिमेंट ऐड है और किसी एलिमेंट में एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे ऐड है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा होगा बताओ, ज्यादा एलिमेंट होंगे तो ना, यस यस सर, तो बस वही चीज यहाँ कहना चाह रहा है, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं था तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता था, सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड हैज एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय यूजिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्या होता है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक रिएक्शन भी है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड प्लस 2Cl आयन बनाएगा SiCl6-. नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, अब कई लोग लग रहा है सर यहाँ पे तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा तुमको ऑक्टेट रूल से ये तो पता चला ज्यादा, लेकिन यहाँ ये थोड़ी पूछ रहा है कि स्टेबल बन रहा है या ये स्टेटमेंट थोड़ी बता रहा है स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल बन रहा है, बस बन रहा है इतना बस, देखो सिलिकॉन बना सकता है बट कार्बन तो वो भी नहीं कर सकता, हाँ हालांकि ये वीक हो मतलब अनस्टेबल हो या स्टेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा लेकिन जरूर अनस्टेबल होगा तो हीट करोगे तो तुरंत इसमें चेंज जाएगा। नेक्स्ट नोट करना भाई, तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के पास एबिलिटी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का, तो ये देखो एग्जांपल भी नोट किया है,
सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड किस हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड H2SiO2H2SiOH4 Si हाइड्रोजन कितना है 2 to 4 ऑप्शन 2 Si और 2 ऑप्शन और H3 होना चाहिए सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड गैस हाइड्रेटेड सिलिसिलिक एसिड सिलिसिलिक नहीं है सिलिसिक एसिड है ना नोट कर लो भाई हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड इसका फॉर्मूला पूछ सकता है अब होता क्या बच्चों चार क्लोरीन हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है हाइड्रेटेड सिलिसिलिक एसिड कंप्लीट कर लेते हैं बाय रिएक्शन विथ वाटर बाय हाइड्रोलाइसिस तो सिलिकॉन जो है 4 टाइट्रोक्लोरीन को रखा हुआ है यहाँ पे वाटर से कौन सा फॉर्म मिलता है भाई एक एच और एक ओएच दिख रहा है वाटर से क्या मिलता है एच और ओएच H2O को इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करते तो यहाँ का एच यहाँ का सीएल क्या मिलेगा बच्चा HCl HCl बाहर निकल जाएगा वेरी गुड और साथ में ओएच लग जाएगा ठीक है फिर से अगर ये दोबारा हुआ तो यहाँ का एच और सीएल एक और ले लिया तो ये भी ऐसी HCl करके बाहर अगर ये 3 टाइम्स लिया तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा यहाँ पे भी OH आ जाएगा एक और लिया तो सब हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा क्लियर है ना तो 4 टाइम्स वाटर लोगे तो HCl Cl, Cl, यहाँ का H, बाहर होके क्या बन जाएगा HCl, ठीक है ना तो SiOH tetra, ठीक है ना ये इसी को H2SiO3.H2O क्या बोलते हैं इसे हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड गिव्स हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड H2SiO3.H2O बाय हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन करके यहाँ का HCl 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 बाहर और ये मिलेगा इसी को बोलते हैं हम लोग क्या हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड नोट कर लो बच्चा हाँ हेडिंग नोट करना सिलिकॉन दो बातें सिलिकॉन सार सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर विच इज कंटेन रिपीटेड यूनिट ऑफ R2SiO R2SiO ठीक है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट नोट करना R2SiO unit linked by SiOSi linkage. Example RSiOSi.
ये सिंपल सा सिलिकॉन, ठीक है ना, R2SiO, R2SiO, R2Si, इधर से O, ये सब यूनिट चलते रहेगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, क्या बोलते हैं इसे, सिलिकॉन। तो R2SiO यूनिट रहा, तो इसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, ठीक है ना। तो कभी सिलिकॉन का फॉर्मूला पूछा तो क्या बोलोगे, R2SiO और ब्रैकेट के बाहर N, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, N। R2SiO ये वाला यूनिट N टाइम्स होगा, तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन। एक तरह का पॉलीमर है, पॉलीमर में मोनोमर यूनिट क्या है, R2SiO, मोनोमर मतलब एक छोटा सा सिंपलेस्ट सा यूनिट। जैसे मोतियों की माला ले लो, तो एक मोती जो होगा वो क्या होगा, मोनोमर, और ये पूरा माला क्या होगा, पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर। तो ऐसे ही होता है, मोनोमर मतलब एक छोटा सा पार्ट हिस्सा, और उससे बना जो माला हुआ मतलब बहुत सारे मोती आ गए ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, सबसे सिंपल वे में। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, किसके यूनिट के, R2SiO, ठीक है ना। तो R ऑर्गेनो क्या क्यों लिया गया भैया, R मतलब यहाँ पे होता है, वेयर R इज इक्वल टू, वेयर R इक्वल टू एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप। अब ये एलिफेटिक एरोमेटिक ग्रुप क्या होता है बच्चा, तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वहां पे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड पढ़ते हैं। तो कार्बन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक और कुछ होते हैं एलिफेटिक, बाद में पढ़ोगे। एरोमेटिक में स्पेशल टाइप का एक गंध मिलता है, एरोमा बोलते हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक, एरोमा सबसे वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ गंध होगा, स्मेल होगा, और जिसमें नहीं हुआ तो वो एलिफेटिक, बट एक एक्सेप्शनल है इसमें भी, वो बात छोड़ो, वो सब बातें कब करेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। फिलहाल R इक्वल टू एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप, कार्बन के ग्रुप होंगे, कार्बन के कंपाउंड होंगे, इसलिए उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। और सिलिकॉन है तो आर्गेनो सिलिकॉन। क्यों कहते होंगे बच्चा कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम जो अमाउंट होता है एलिमेंट का, जैसे बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर सेल हो गए, टिश्यू हो गए, ये सब किससे बने, कार्बन के ही तो हैं भाई, मैक्सिमम जो कंटेन, अगर एलिमेंट देखा जाए जो ज्यादा एलिमेंट है मैक्सिमम अमाउंट में, वो कार्बन है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड का जो केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही पढ़ते हैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, क्लियर रखना इस बात को बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट इसके फॉर्मेशन मेथड को लेके हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई क्लोराइड सिलिकॉन। तो नाम से पता चल रहा है बच्चा, सिलिकॉन पे एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप होगा, इसका क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा बच्चा, बताओ तो मुझे, हाइड्रोलाइसिस मतलब किसके थ्रू रिएक्शन, वाटर के थ्रू, सर वाटर के थ्रू, सर उसमें कैथोड और एनोड रहेंगे क्या, नहीं नहीं वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो बताओ यहाँ पे HOCl, HCl, HOCl, HCl, क्या होगा उसके बाद, यहां से टू टाइम्स HCl बाहर मिलेगा क्या बच्चा, बोलो जल्दी, OH, क्लियर है ये, यस सर। अब इसी का और आगे रिएक्शन होगा, इसी का और आगे रिएक्शन होगा, इस टाइम बता देते हैं,
सर वो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या लिखा? हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl, यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl. अच्छा, it is prepared by hydrolysis of dialkyl. Alkyl मतलब R. Dichloride, क्लोरीन दो बार. क्या है? सिलिकॉन. ठीक है. ओके सर. सर आपको सिलिकॉन एलिमेंट की बात की गई है ना? ओहो बच्चा, अगर ये एन टाइम्स होगा, ये एन टाइम्स होगा तो ये भी एन टाइम्स मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो यहाँ पे आर एस आई आर ओ एच ओ एच. अगर ये एन टाइम्स होगा मतलब दो बार और मिलेगा यहाँ से ओ एच. बस बन गया सिलिकॉन. इन दोनों में से आपस में इसको हिट करोगे, हिट करोगे तो क्या होगा? यहाँ का ओएच और यहाँ का एच, क्या बाहर निकल जाएगा? गर्म करोगे तो इससे वाटर बाहर, वैसे ही तो मिलेगा आर एस आई आर ओ. यहाँ का एक ओ बचा है ना, एस आई आर. इस तरह से यहाँ से भी आगे एस तो निकल जाएगा, यहाँ से वैसे निकल जाएगा. ये अगर एन टाइम्स है तो ये भी पूरा कितने टाइम्स आएगा? एन टाइम्स. और इसको क्या बोलते हैं बच्चा? सिलिकॉन. इसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन. क्लियर है? तो वहां से हाइड्रोलिसिस से ये बनेगा, फिर से इसका कंडेंसेशन बोलते हैं. तो हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा और ये आपस में जुड़ेंगे. अब बोलेगे इधर भी एक यूनिट है, वो भी आपस में इस तरह से जुड़ते जाएगा. तो ये एन टाइम्स है तो आने वाला प्रोडक्ट भी कितने मिलेगा? एन टाइम्स. अगर ये 10 है तो ये 10 बार ऐसे दिखेगा. क्लियर है? नोट कर लो, ये बन गया सिलिकॉन. तो यूजे नोट कर लो बच्चा, एनसीईआरटी टेक्स्टबुक से होमवर्क समझ लो इसे. और एक अंतिम क्वेश्चन मतलब टॉपिक सिलिकेट, ये भी होमवर्क देने वाले. तो सिलिकेट क्या होता है भाई? एक सिंपलेस्ट यूनिट होता है ऑफ SiO4-2-. सिलिकेट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है SiO4. मतलब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये भी एक तरह का पॉलीमर समझ लो, लेकिन एकदम स्मॉल पॉलीमर है. जस्ट SiO4-2- यूनिट आपस में ऐड होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? सिलिकेट. ठीक है ना? तो सिलिकेट में सिंपलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है? SiO4-2-. तो इसको बोल देते हैं सिलिकेट. सिलिकेट ठीक है, यही हमारा क्या है? सिलिकेट. नोट कर लो. इसका यूजेस क्या है बच्चा? किसी का माइक ऑन हो रहा है? तो सिलिकेट SiO4-2- यूनिट को ही क्या बोलते हैं? सिलिकेट. इसका यूजेस क्या है? क्या यूजेस है भाई? बुक पढ़े हो? ग्लास के फॉर्मेशन में क्वार्ट्ज. हाँ, जो क्वार्ट्ज होते हैं, ग्लास होते हैं, तो वो सब किससे बनते हैं बच्चा? सिलिकेट से. तो अलग अलग ग्लास में सिलिकेट के साथ और कुछ मिलाया जाता है, किसी में बेरिलियम मिलाएंगे तो किसी में कुछ एलिमेंट मिलाएंगे, तो ग्लास का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किसमें होता है? ग्लास मेकिंग में. और सिलिकेट का सबसे अच्छा, एक मिनट, तो सिलिकेट जो है इसे बोला जाएगा, इसका यूज होता है ग्लास के फॉर्मेशन में. और सबसे अच्छा सोर्स है सिलिकेट का. आसपास बहुत लोगों के आसपास सिलिकेट के साथ आप लोग कई बार खेले भी होंगे, बता सकते हो? रेत. जो रेत, बालू बोलते हैं भाई हमारे साइड, रेत हो गया, बालू हो गया या सेंड, तो उसमें जो होता है सिलिकेट हाई अमाउंट में होता है. ठीक है ना? किसी ने सीमेंट बोला था ना, सीमेंट. अच्छा ठीक है ना भाई, तो कुछ नहीं होता ना, बोला तो उससे क्या होता है? नो सर, आप बोल रहे थे ना बचपन में खेले, तो वही बोल रहे थे.
अच्छा सीमेंट से खेले होंगे? हाँ खेले मतलब सीमेंट का क्या बनाए होंगे, छोटा छोटा बॉल टाइप का बना लिए होंगे, जिसके घर ज्यादा सीमेंट है, अब उनके पापा बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर है, तो सीमेंट सीमेंट खेले होंगे भाई एकदम सॉलिड वाले से, अंबुजा सीमेंट से, हर खेल में जान है उनके। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। ऑक्सीजन पे -4 चार्ज कर लो बेटा, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा। सर जियोलाइट के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्लीज। हाँ बच्चा जियोलाइट के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्लीज। तो बच्चा हाइड्रोजन एटम पढ़े थे, पढ़ाया था ना हमने हाइड्रोजन एटम, तो वहां बताया होगा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड जियोलाइट, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। तो वहां पे बताया ना जियोलाइट क्या है, इसका यूज किस में होता है भाई, वाटर प्यूरिफिकेशन में, कौन सा हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट या फिर टेम्पररी? परमानेंट, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को, जिसको बोला जाता है क्या जियोलाइट। जियोलाइट तो वो तो बहुत पहले ही हो चुका है। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है।